तो फाइनली केक यहाँ पे कट चुका है, केक कटा है तो बटेगा भी सब में। चलिए फाइनली होने के कारण खुशी है। चीयर्स मामा जी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल जेके मथुरिया ब्लॉग पर पूरे 900 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। उसकी खुशी में आज हमने यहाँ पे एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा है। आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट किया, मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी उतना ही सपोर्ट करेंगे। और मैंने आपको जैसे ब्लॉग में मैं बताता हूँ, हंसी मजाक कॉमेडी से भरपूर और जीवन को फुल एंजॉय करते हुए, जीवन का पूरा आनंद लेते हुए और पूरी दुनिया की सैर करते हुए, ऐसे हम जीवन का आगे भी आनंद लेते रहेंगे। तो आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है, इतना प्यार दिया, उसके लिए हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया। तो चलिए, सेलिब्रेशन जो है अंदर, हमने आज डबल सेलिब्रेशन नहीं, ट्रिपल सेलिब्रेशन से अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक तो 9000 पूरे हो गए सब्सक्राइब 9K, और दूसरा मेरा आज बर्थडे भी है। जी हाँ, तो आज मैं कितने साल का पूरा हो चुका हूँ वो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना, कितनी उम्र पूरी हो चुकी है। और तीसरा सेलिब्रेशन है वो हमारा परम भतीज यानी कि राहुल, उसको हॉस्टल में से वापस लेकर आए हैं, तो उसका भी सेलिब्रेशन साथ में केक काट के मनाएंगे। ये बाबूराव का स्टाइल है। तो चलिए लेट्स गो, सीधे चलते हैं। मामा जी यहाँ बैठे हैं, लक्ष्य जो है अभी सेल्फी लेने में लगी हुई है, वो सेल्फी ले रही है। मामा जी यहाँ पे काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है और आज यहाँ पे जेके मथुरिया एंड कंपनी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वैसे मैंने आज से कई हजार साल पहले अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जब मैं छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा था तब। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी गाजर का हलवा बनाती थी अजमेर के अंदर, फिर मैं पड़ोस में बांटने जाता था, 5 रुपये 10 रुपये खर्ची का मिलता था। लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद, आज 36 साल की उम्र पूरी हो चुकी है। 36 साल यानी, अरे यार उम्र तो मैंने बता दी, कोई नहीं चलेगा, फिर भी आप कमेंट करके बताना मैं कितने साल का लगता हूँ। चढ़ा समझाओ इसे, ठीक है। तो बर्थडे है, साथ में 9K सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी खुशी में थोड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो फाइनली केक यहाँ पे कट चुका है, केक कटा है तो बटेगा भी सब में, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले मेरा फेवरेट भतीजा, मैं भतीजे को केक खिलाऊंगा, क्योंकि मेरा फेवरेट इसलिए है, 4 दिन पहले बोलते ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 4 दिन पहले इसको हॉस्टल में डाला था, इसको मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, तो रोतड़ू भी है थोड़ा, आपने ब्लॉग में देखा होगा। चलिए सबसे पहले केक मैं इसको खिलाऊंगा, हालांकि दिल तो मेरा मामा जी को खिलाने को कर रहा है, लेकिन मैं इसको खिलाऊंगा, पति लाडला होता है। तो चल बेटा, ये मेरा जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लो वो हम सबकी तरह जबरदस्ती जिंदा है। अभी राहुल की बारी आ ही जाती है फाइनली। हाँ, 9 वर्ष पूरे होने के कारण मैं खुश हूँ। एक बार मैं कान खोल के बोलता हूँ स्ट्रिंगली, कोई भी केक को मुंह पर नहीं लगेगा, वरना मुझसे अच्छा न कोई था, है तो बहुत सारे लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। ये हॉस्टल में वैसे रो रहा था, अभी फोटोग्राफी चल रहा है तो देखिए कैसे मतलब पोज दे रहा है, आप कुछ समझ सकते हो ये हॉस्टल से क्यों आया वापस। हॉस्टल में तो रोने का बहाना बना दिया कि ये है वो है, और देखो फोटोग्राफी का पोज चल रहा, तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी अंकल, यहाँ पे अंकल और आंटी इस्माइल के साथ में, और लक्ष्य जो है इस वक्त पता नहीं क्या पढ़ाई कर रही है, चैट कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। लक्ष्य क्या कर रही है,
इसको ही नहीं पता है, छोटी टहनी उबड़ा है, लाइट बंद करी है। तो अभी फाइनली यहाँ पे हमने केक काट, फाइनली अभी हमने केक काट लिया है, केक का सेलिब्रेशन पूरा हो चुका है और अभी आ चुके हम डाइनिंग हॉल में। यहाँ पे खाने का ऑर्डर दे दिया है लेकिन मामा जी यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिला है यार, बर्थडे और मुर्गी नहीं खाएंगे, चलेगा आप बताओ? अंडे तुम खाते नहीं हो और मुर्गी खाने के लिए इच्छा हो? मामा मुर्गी में कहाँ अंडा होता है यार, 36वां बर्थडे है यार, थोड़ा मुर्गी उर्गी लेग पीस वगैरह टंगड़ी उंगड़ी कबाब। मामा जी थोड़ा चीयर्स करवा रहे हैं, चीयर्स मामा जी। डार्क बना दिया मामा जी, थोड़ा लाइट बना दे। दोस्तों ये कोई शराब नहीं है, दिस इज फॉर वाटर, मिनरल वाटर है, पानी है, और शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। मेरे दादाजी कहते थे कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, तो मैंने बचपन से दारू छोड़ दी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, और आप भी अपने बच्चों को दारू की आदत बिल्कुल ना पाड़े। कोई नहीं, खाना आ रहा है, खाना खा टेस्ट करते हैं और आपको बता दें यहाँ का खाना कैसा है। अच्छा रहेगा तो बोल देंगे, अच्छा है, बुरा बोलेंगे तो फिर आपकी मर्जी, आओ तो आपकी मर्जी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे खाना आ चुका है। खाने में हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे एक शाही पनीर, एक दाल मखनी और एक पनीर टिक्का मसाला। तो चलिए दोस्तों खाने का टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको सजेस्ट करते हैं कि खाना इस होटल का कैसा है। तो खाने की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों खाने के अगर पॉइंट्स मैं देना चाहूँ तो 100 में से 70% यानी कि खाने की क्वालिटी 70% ठीक है, लेकिन यहाँ के स्टाफ का जो सर्विस है वो सबसे बेस्ट सर्विस हमें लगा। सर्विस आर वेरी बैड, मतलब ऑर्डर करते हैं उसके कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा बाद में ऑर्डर आता है। बाकी होटल काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे आप फोटोग्राफी और का आनंद ले सकते हैं। तो होटल में खाना खाने के बाद अभी मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड पर, यहाँ से मुझे अहमदाबाद की बस पकड़नी है, लेकिन रात के करीब अभी 12:30 बज चुके हैं, लेट हो चुका है काफ़ी, तो अभी 3-4 बसें और है, देखते हैं अगर बस आती तो ठीक है, नहीं तो पीछे जो ट्रक आपको नज़र आ रहा है सनी देओल की तरह मुझे भी जो है गदर 2 जो आ रही है तो गदर फिल्म की तरह मुझे भी ट्रक लेके निकलना पड़ेगा। फिर मैं निकला गड्डी लेके, इत मोड़ आया मैं उत दिल छोड़ आया, वो वाला सीन हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे पूरा करना चाहूँगा, उम्मीद है कि आपको मैं वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। और ये था हमारा एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा सेलिब्रेशन, जिसमें ट्रिपल सेलिब्रेशन था, एक तो मेरा बर्थडे था और दूसरा 9K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके उसकी खुशी थी। और उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को काफ़ी सराहते हैं, प्यार देते हैं, ऐसे ही आपका प्यार हमारे वीडियो पर बना रहे, हमारे चैनल को आप भी आगे से आगे ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करें। मामा जी ने जो है अभी आशीर्वाद दिया मुझे कि आप और आगे बढ़ो जीवन में। और देखिए थोड़ा सा बारिश का मौसम भी हो रखा है और रात के टाइम का सूनापन, और ये हमारी BMW में लक्सू खड़ी है और साथ में राहुल बैठा है अंदर गाड़ी के अंदर, लक्सू टाटा कर रही है बाय बाय। और फाइनली अहमदाबाद जो है मैं पहुंच चुका हूं, और अहमदाबाद के अंदर RTO सर्कल का ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में अहमदाबाद पहुंचने के बाद मैंने उबेर से जो है टैक्सी बुक करवा दी, उबेर से टैक्सी बुक करवाने के बाद अभी मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। घर पहुँच के सबसे पहले मैं नहाऊँगा, नहाने के बाद भगवान को प्रणाम करूँगा, उसके बाद जो है मेरी जो डेली रूटीन लाइफ है, मुझे मार्केटिंग फील्ड जो मेरा है मुझे मार्केट जाना है। तो चलिए दोस्तों मिलूँगा आपसे अगले एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।